सो हेलो ऑडियंस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 सुपरस्टार के रिटर्न की, जो कि ट्रिपल एच हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। तो ज्यादा लंबी वीडियो होगी नहीं, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल एंड तो देखना। तो फिर आप सभी का बिल्कुल टाइम न वेस्ट करते हुए हम अपनी इस नई वीडियो को शुरू करते हैं। और इस लेवल से फर्स्ट सुपरस्टार है जो कि और कोई नहीं, हमारे जॉन मॉरिसन है। और जॉन मॉरिसन करंटली AEW के साथ काम कर रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और जॉन मॉरिसन जैसे टैलेंट पता नहीं विंस मैकमैन ने क्यों ही रिलीज कर दिया, और शायद विंस मैकमैन को जॉन मॉरिसन में कुछ खास चीज़ नज़र नहीं आई होगी। और उन्होंने रिटर्न किया था WWE में एज अ टैग टीम पार्टनर, और वो मिस के साथ टैग टीम में काम कर रहे थे, जहाँ पर मिस ने उन्हें धोखा दिया। लेकिन उसके बाद उनकी स्टोरी वहीं की वहीं रह गई, कुछ भी WWE ने आगे नहीं दिखाया, और जॉन मॉरिसन होगा रिलीज। तो भाई, जॉन मॉरिसन भी वापस आना चाहिए ट्रिपल एच के राज में WWE के अंदर। दूसरे सुपरस्टार की बात करें तो यहाँ पर नाम आता है हमारे बड़ी मर्फी का, या फिर कहते तो मर्फी का। और मर्फी भी करंटली AEW में वर्क कर रहे हैं, और बड़ी मर्फी के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल थी, और काफ़ी सारे लोग बड़ी मर्फी को पसंद कर रहे थे, और मैं भी उनमें से एक था। मैं भी चाह रहा था कि ये बंदा काफ़ी आगे जाए, क्योंकि उस बंदे में काफ़ी पोटेंशियल थी, और उन्होंने बड़ी स्टोरीज दे भी देती मिस्टीरियस फैमिली के साथ, खासकर वो आलिया वाली। तो बड़ी मर्फी वापस आना चाहिए WWE के अंदर। तीसरे सुपरस्टार की बात करें, और मैं 3 और 4 दोनों काउंट कर ले रहा हूँ, क्योंकि अपन नाम आ रहा है इस लिस्ट में साशा बैंक्स एंड नियोमी का। तो साशा बैंक्स एंड नियोमी भी WWE कंपनी में वापस आना चाहिए, और मेरे हिसाब से इस लिस्ट में ये दोनों बंदियाँ काफ़ी गारंटेड हैं कि WWE के अंदर ये एक ना एक दिन जरूर से वापस आएंगी। और मेरे हिसाब से ट्रिपल एच के आपात कॉन्ट्रैक्ट भी दे चुके हैं उन दोनों को, और इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर लिया WWE का। बाकी देखो ये लोग कब तक आती हैं वापस। फिफ्थ नंबर के सुपरस्टार की हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर नाम आता है हमारे एलिस्टा ब्लैक का, जो कि AEW में करंटली मलाकाई ब्लैक के नाम से फेमस हैं, यहाँ पर तो काम कर रहे हैं। और रिसेंटली रिपोर्ट्स आई थी कि जो हमारे मलाकाई ब्लैक हैं वो रिलीज हो चुके हैं AEW से, बट उनका जो नॉन कम्प्लीट क्लॉज है जो कि 6 महीने का है, और 6 महीने बाद ही वो किसी कंपनी में आ सकते हैं। तो मे बी हम सभी को जो हमारे एलिस्टा ब्लैक हैं वो आने वाले टाइम में WWE में देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एलिस्टा ब्लैक वापस से ज़रूर से आएंगे WWE के अंदर AEW कंपनी छोड़ने के बाद। अब देखो यार, 6 महीने बाद आते हैं या फिर उससे पहले। नंबर 6 सुपरस्टार की हम लोग बात करें तो यहाँ पर नाम आता है हमारे द रॉक का, और जो द रॉक हैं मेरे हिसाब से जो हमारे ट्रिपल एच जरूर से लाएंगे उन्हें कभी ना कभी WWE के अंदर। सॉरी थोड़ा मैं अटक रहा हूँ, तो एक ना एक बार द रॉक जरूर से आएंगे WWE में। और हम सभी को पता है कि द रॉक का सबसे बड़ा कौन सा मैच रूमर्ड है, जो कि है रोमन रेंस वर्सेस द रॉक, या फिर कहे तो ब्रदर वर्सेस ब्रदर मैच WrestleMania 39 के लिए। और काफ़ी सारे लोग तो ये भी उम्मीद कर रहे होंगे कि द रॉक आएंगे तो WrestleMania 39 के लिए आएंगे, जो कि मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है। और उससे पहले क्या पता वो एक आध अपीयरेंस दे दें स्टोरीलाइन को बिल्ड करने के लिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है WWE हवा हवा में ये मैच बना देगी और द रॉक सीधा आएंगे WrestleMania 39 में। बाकी देखो द रॉक आते हैं या फिर नहीं, और मेरे हिसाब से ट्रिपल एच पूरी कोशिश कर रहे होंगे द रॉक को लाने की, क्योंकि उनका जो शेड्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है। नेक्स्ट सुपरस्टार की हम लोग बात कर लें, जो कि 7 सुपरस्टार है इस लिस्ट का, और ये और कोई नहीं हमारे CM Punk हैं। अब काफ़ी सारे लोगों का ये मानना है कि ट्रिपल एच एंड CM Punk के रिश्ते खराब हैं, और मेरे हिसाब से भी ऐसा है, लेकिन ट्रिपल एच बिजनेस को आगे ले जाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और एक टाइम पे जो हमारे CM Punk हैं, ऐसा लग रहा था कि वो WWE में आएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और उस टाइम विंस का राज था, लेकिन इस टाइम ट्रिपल एच का राज है, और राज है। और CM Punk ने तो क्या क्या रखा है, जब तक विंस हैं तब तक मैं नहीं आऊँगा, लेकिन इस टाइम में ट्रिपल एच, और ट्रिपल एच के राज में विंस जरूर CM Punk जरूर से आ सकते हैं। और AEW में वैसे भी अभी इनकी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, बाकी CM Punk देखो कब तक आते हैं WWE के अंदर। और इस लिस्ट में जो फाइनल सुपरस्टार है, जो कि और कोई नहीं हमारे ब्रे वाइट हैं। और इनको मैंने 8th स्पॉट क्यों दिया इस लिस्ट में, तो आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि इस बंदे की भी काफ़ी चांसेस हैं। कि ये बंदा वापस से आए WWE के अंदर, और अब ये नेक्स्ट बिग थिंग बन सकता है, फिर तो अंडरटेकर बन सकता है, क्योंकि विंस के राज में भी ऐसा हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि विंस ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि ये बंदा क्रिएटिवली कितना बेटर है। बाकी आप लोग क्या सोचते हो ब्रे वाइट के रिटर्न और इन सभी सुपरस्टार्स के रिटर्न के बारे में, मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर से बता देना। सो वेल, हमारी जो आज की वीडियो थी वो मेरी तक थी, अगर पसंद तो लाइक करना कहीं मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। सो वी विल सी माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।